दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें भी तख्लीक की जाती हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के कुछ उसूल और कुछ कायदे कुछ ज़ाबते होते हैं। कोई भी मशीन अगर अपने ज़ाबतों और अपने उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल न की जाए तो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाई है। इस कायनात को भी अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिए हुए उसूलों के मुताबिक चलाया जाएगा तो बिगाड़ पैदा नहीं होगा। जब लोग धरती रब की हो ज़मीन अल्लाह की हो बंदे अल्लाह के हों लेकिन निज़ाम अल्लाह रसूल का राइज न किया जाए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को लिया जाए तो फिर बड़ी कोशिश के बावजूद भी मईशत मुआशरत सुकून अमन अदल ये चीज़ें कायम नहीं होती। इस्लाम को जब हम कामिल मुकम्मल और अकमल दीन कहते हैं तो हमारे दीन ने हमें मस्जिद चलाने का तरीका भी बताया है और मुल्क चलाने का तरीका भी बताया है। जिस तरह किताब व सुन्नत का निज़ाम मस्जिद में मदरसे में राइज करने का कहा गया है इसी तरह किताब व सुन्नत के निज़ाम को दुनिया में राइज करने का कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला की इस ज़मीन को निज़ाम हुकूमत को निज़ाम अदल को निज़ाम पार्लियामेंट को जब शरीयत इस्लामिया के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक चलाया जाएगा तो अमीर ताजर दौलतमंद ब्यूरोक्रेट्स ये सब भी सुकून महसूस करेंगे। बहुत सारे एतमाद के साथ तिजारत कर सकेंगे वज़ादारी के साथ अपना वक्त गुजार सकेंगे। गरीब आदमी को आसाइशें और सहूलियात उसके दरवाज़े पर मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अपने नेक बंदों को इख्तदार दिया। रब करीम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुल्कों का बादशाह बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तदार दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इख्तदार अता फ़रमाया और फिर कुर्बान जाएं अल्लाह ताला ने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को इख्तदार अता फ़रमाया। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहसियत एक सरबराह मुमलिकत के वो सारे काम अपने सामने हुज़ूर ने किए। नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतल्लिल आलमीन हैं किसी शख्स कि ज़रा सी तकलीफ़ हुज़ूर को सोने नहीं देती लेकिन हुज़ूर ने अपने सामने निफाज कराया। अगर किसी को कोड़े लगने की ज़रूरत थी तो फरमाए इसको ले जाओ वहाँ बांधो कोड़े मारो। अगर किसी शख्स पर चोरी की जिना की कोई हद जारी करनी थी तो हुज़ूर ने अपने सामने वो जारी करवाई। निफाज अमली कानून का अपनी निगाहों के सामने करवाया। एक सरबराह मुमलिकत किस तरह से वक्त गुजारता है और उसे किस तरह से चीज़ों को लेना है ये सारी चीज़ें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें करके बता के सिखा के हमारे लिए दस्तूर छोड़ा। हमने आहिस्ता 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 ये किया कि जिस तरह ईसाइयों के पोप उन्होंने मज़हब की तशरीह ये की कि गारों में रहना है दुनिया से कट के रहना है या पंडितों और जोगियों ने जो मिजाज दिया था वो माहौल हमने तारी किया। इस्लाम को हमने जुज वक्ती बनाया कुल वक्ती नहीं बनाया। मस्जिद में आ गए तो वुजू कर लिया टोपी पहन ली नज़र झुका ली तस्बीह पकड़ ली कहा मैं मस्जिद में हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं मस्जिद में हूँ मैं गलत बात नहीं कर रहा मैं मस्जिद में हूँ मैं बददियानती नहीं कर रहा। ओ खुदा के बंदे जो रब जिस तरह मस्जिद में देखता है मस्जिद के बाहर भी उसी तरह ही देखता है। उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। तुम्हें हमा पहलू नेक होने का कहा गया। इस्लाम ने अपने मानने वालों को जो जज्बात दिए मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ एहसास होकर बात करता हूँ कि
मसाजिद में मदारस में जब कोई सियासी बात की जाती है तो वाकई बाज़ लोगों को ठीक नहीं लगता, क्योंकि क्यों ठीक नहीं लगता, वो इसलिए ठीक नहीं लगता कि वो कहते हैं यार थक गए हैं सारा दिन तबसरे सुन सुन के, वहाँ भी सियासी बातें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ से हमें कोई ख़ास रूहानी बात सुनने को मिले जो हमारे दिल के सुकून का बायस बने, कोई ख़ास ताजगी वाली बात सुनने को मिले। लेकिन मैं आपको ये भी बड़े एहसास के साथ बात अर्ज करता हूँ, ये जज्बा गलत नहीं है। कुछ लोगों का ये जज्बा तनकीद का होता है, उसकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं हम तो रूहानी ताजगी के लिए, उनकी बात भी ठीक है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने और हुजूर के चारों खुलफा ने सियासत की जितनी तदबीरें की हैं वो मस्जिद शरीफ में बैठ के की हैं, क्योंकि ये जज्बा पाकीज़ा था, खलूस वाला था, खिदमत वाला था, इशात तबलीग वाला था, दीन को आगे फैलाने वाला था। तो ये पाक जगह पर बैठ के बात हुई, इसे पलीद नापाक और चूँकि गलत अब किया गया है तो अब बात चीज़ें बोझ बनती हैं। कुरान मजीद के जो आया करीमा मैंने तिलावत की है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मईशत से ज़्यादा, मुआशरत से ज़्यादा, एटमी ताकत से ज़्यादा ज़रूरत नेक लोगों की होती है। याद रखना, बेहतरीन किस्म का असला मौजूद हो लेकिन चलाने का फ़न ना आता हो तो बंदा दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंसान के पास बेहतरीन गाड़ी मौजूद हो लेकिन उसे चलानी ना आती हो तो उसके लिए सफ़र कभी भी मुकम्मल नहीं होता। हमारे पास सारा कुछ है, दयानतदार लोगों की कमी है। लोग कहते हैं मईशत का कुछ करो, मुआशरत का कुछ करो, तो ये कुरान देखें अल्लाह का क्या फरमाता है। रब का कुरान कहता है अल्लज़ीना इम्मकन्नाहुम फिल अर्द, कुछ लोग वो हैं कि अगर अल्लाह उन्हें ज़मीन में इख्तदार अता करे वो क्या करेंगे, अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात, वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, वामरु बिलमारूफ, वो नेकी का हुक्म देंगे, वानहू अनिल मुनकर, वो बुरी बातों से मना करेंगे, वलिल्लाही आकिबतुल उमूर, और हर काम को अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है, सब कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ होना है। उन लोगों को रब अगर इख्तदार दे, ज़रूरत बंदों की ज़्यादा है कि बंदे दयानतदार मिले, ये वो लोग नहीं होते कि इन्हें माल मिल जाए तो ये अय्याश हो जाते, बल्कि इन्हें माल के ख़जानों की कुंजियाँ मिलें तो ये रब की गरीब मखलूक के लिए दरवाज़े खोल देते हैं, ये नमाज़ों का ख्याल करते हैं, ये दीन का इबलाग करते हैं। बैठे थे हुजूर के सहाबा हज़रत उमर के गिर्द, दोस्त यार पुराने, बातें हो रही थी तो हज़रत उमर कहने लगे दौरे खिलाफत चल रहा है जनाबे उमर का, मैं कह चुका हूँ कि हमें ज़रूरत मुत्तकी परहेजगार लोगों की टीम की है, उन लोगों की ज़रूरत है जिनके दिल में दर्द हो, जो तकवे वाले हों, जो मखलूक खुदा के बारे में गुंजाइश रखते हों। हज़रत उमर के गिर दोस्त आप बैठे हैं तो हज़रत उमर कहने लगे चलो अपनी अपनी कोई ख्वाहिश ही बताओ। तो चूँकि हालात बड़े ख़राब थे, कहत का दौर था, बाज़ जगहों पे गरीबों को बड़ी मुश्किल थी, तो सब लोगों ने सदकात और खैरात की ही बात की। एक साहब कहने लगे मेरा दिल करता है कि ज़मीन गल्ले और अनाज से भर जाए सारी और मैं अल्लाह की मखलूक में बाँट दूँ। तो दूसरे ने कहा मेरा दिल करता है सोने चांदी से ज़मीन भरे और मैं रब की मखलूक पर तकसीम कर दूं। एक तीसरे सहाबी भी फरमाने लगे मेरा दिल करता है सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से ये ज़मीन भरे और मैं अल्लाह की मखलूक में बांट दूं। सब अल्लाह की मखलूक पर करम करने की, रहम करने की, तकसीम करने की बात कर रहे थे। तो फिर बोल के कहने लगे उमर आप भी तो बताएं ना, आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना। हज़रत उमर देर तक खामोश रहे, फिर ठंडी आह भरी, फरमाने लगे मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत माद बिन जबल जैसे लोगों से भर जाए, मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान जैसे लोगों से भर जाए, मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा जैसे लोगों से भर जाए, ये ज़मीन इन लोगों से भर जाए और मैं फिर इन सब लोगों को साथ मिला के ज़मीन पर रब की इताअत का चलनाम कर दूँ, लोगों को रब रसूल का फरमा बरदार बना दिया जाए, खैर वाले लोगों से ज़मीन भरे। मेरी ख्वाहिश ये है जब खैर वाले लोगों से ज़मीन भर जाती है फिर मईशत भी ठीक हो जाती है, मुआशरत भी ठीक हो जाती है,
دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ شرط یہ ہے، تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ لوگ جو مضبوطی لائیں معاشرے میں، جن کا حلم، بردباری، تقوی، یہ چیزیں مضبوطی، ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے، ان کے آج بھی پھیلیں۔ کسی بھی اشارے پر دو منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو چار چار بھکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں۔ اب بعض اشاروں پر، ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو خیرات نہ دیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھکاریوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو؟ تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کیا ریاست کی، حکومت کی، تاجر کی، مالدار کی، تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں؟ ان تک رسائی کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکات لینے آئی تھی، وہ اس سال بھی آئی ہے۔ وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلا دیا تھا، وہ اس سال بھی آئی ہے۔ وہ خاتون جو پچھلے سال چار بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی، وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہے۔ اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام بیہقی نے اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں، میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے، اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صحابی تھے، حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی۔ اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے، یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ دو چار مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہویا تو دسے آ جائے، پھر جب ایک سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں چار بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے، وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے، وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئیں، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی، حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاصرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا، فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی،
छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहाँ से माले गनीमत का माल के भर के दो बोरियाँ, और बोरियों में क्या था, चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ ज़रूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। दो बोरियाँ भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमाके का, पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है। और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये ख़त्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक ख़त्म हो जाएगा, पैसे कब तक ख़त्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं दे दिया, यहाँ लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे। कहा एक ही खातून को आपने इतना नहीं दे दिया। तो हजरत उमर नाराज हो गए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार होए, मेरी नज़रों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान उहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज तक मेरी नज़र में मौजूद है। तू कहता है मैंने ज़्यादा दे दिया। औलाद किसे नहीं प्यारी होती, बच्चों को देख देख के बंदा कलेजा ठंडा करता है, औलाद को देख देख के आंखों को सुकून होता है, इंसान की तबीयत शाश बशाश होती है। हज़रत उमर वजीफ़ा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हज़रत उसामा बिन जैद का वजीफ़ा डबल लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर का वजीफ़ा सिंगल लगाया। तो हज़रत उसामा बिन जैद कहने लगे, अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया, उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक जवाब में कहने लगे, पुत्र उसामा के वालिद जैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हज़रत उमर की शान क्या है ज़माना जानता है, पर फिर भी हज़रत उमर फरमाने लगे, तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज़्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफ़ा भी ज़्यादा लगाया जाएगा। हमारे यहाँ हम ना मेरिट करना चाहते हैं पर दूसरों के लिए, अपने ऊपर किसी मेरिट को हम काबिले कबूल बिल्कुल नहीं। यानी मैं सौदा खालस लेना चाहता हूँ दुकान से, तो आप बताएं आप जो सौदा बेचते हैं वो खालस ही बेचते हैं, आपको तो खालस चाहिए लेकिन आप भी तो कुछ ना कुछ बेचते हैं, आपका खालिस है। अगर आप खालिस बेच रहे हैं तो इंशाल्लाह मिलेगा भी खालिस। चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हज़रत उमर ने सहाबा कराम अली मुरिदवान की अजवाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाएं ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हज़रत उमर की बालग नजरी है, वो क्या बंदा हुआ जिसकी हर जगह नजर ही ना हो। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो कहा, जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पर जचेगी। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, नहीं, एक सहाबिया है हज़रत उम्मे सुलैत रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें बुलाओ ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, जब ओहद में ढेर सारे लोग जख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात खराब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस एमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मशकीज़ा पकड़ पकड़ के जख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमात है उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज्यादा हक बनता है कि उसको यह एहसास दिया जाए। मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज्यादा बनता है, इसका दर्जा ज्यादा बनता है, खिदमात ज्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीजें आप वुसत कल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज़्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की, ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से ज़रा नीचे उतरेंगे
और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीजों पर। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुमे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पर पहले बिगड़ता है, छोटी छोटी जगहों पर। बच्चा पहले छोटी चोरियाँ करता है, खुदा माफ़ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पर जाके हालात ख़राब करता है। हज़रत उमर फ़ारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए, तो हज़रत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो वो सहाबी आगे से कहने लगे, मुझे पता था आपने पूछना है, ओ मैं तो कहीं काम में मसरूफ था, अमीरुल मोमिनीन मैं तो दौड़ा आया हूँ, मैं तो गुसल भी नहीं कर सका, वुजू करके ही मस्जिद में आ गया हूँ जुमा पढ़ने। तो तुम्हारे फारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुसल करके आना, मेरे नबी पाक ने गुसल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुसल करके आना। इन बातों का भी, यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नज़र भी उनके जहन में है, और यहाँ तक जो बारीक चीज़ें, बारीक चीज़ें, यानी हज़रत उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होके कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे, तो हज़रत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो। सब बच्चे दौड़ गए, तो हज़रत सनान बिन सलमा फरमाते मैं अभी छोटा था, मैं खड़ा हो गया, तो मैंने कहा हुज़ूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रस्ते में गिर जाएँ वो उठानी नाजायज़ नहीं होती, तो हुज़ूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हज़रत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए, कौन किसके पास, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप, हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है, वो तीसरी चीज़ कहे ना वो वाली दिखाओ, तो कहते लैनी है तो लै, तो जा, और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाते, गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं। हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज़्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज़्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज़्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज़्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज़्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए, बाज गुराबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी ब्याह तकरीबात अफतारियाँ उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी ज़रूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे, बाजों का तंग आमद बजंग आमद। जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊँगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं, हूँ मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूँ। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं, कोई अमीर ज्यादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना। हजरत फारूक आजम का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा,
कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा, कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के, लेकिन यहाँ तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफ़र न थे। मेरे अजीज़ों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए, इस नहज पर। हज़रत उमर छोटी चीज़ों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो हज़रत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है? ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए पाए नज़र होश में आ, यकूबे नबी है, आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। पता नहीं वहाँ सारे नारे ही गलत हैं, किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक की नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहां एक की नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजरे करम हो जाए, या रसूल्लाह पहुंच गए हैं, रोजे दे दुआले ने गुलामा दिया टोलियां, ओ वेखो एक पया सुन दे करोड़ां दिया बोलियां। वहां यही नारा अच्छा लगता है, लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे वारी जिससे वो लिखा करते थे, कहने लगे काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने के अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की है। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने ना उन दो लोगों को बुलाया, और बुला करके फरमाने लगे कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो? ने कहा जी हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोजा है, हुजूर की मस्जिद है, यहां आवाज ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं? और फिर हजरत उमर फरमाने लगे अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता, मैं तुम्हें सजा देता, तुम्हें पता नहीं कि किस तरह का मिजाज और माहौल होना चाहिए। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अनु की जो खिदमात हैं आपका, जो आप तो बाज़ारों में जब जाते थे ना तो फरमाते थे हमारे बाज़ार में सिर्फ वो बंदा आके काम करे जो दीन का इल्म जानता है, जिसे तजारत के उसूल पता हैं वो आए, दूसरे को बैठने नहीं देते थे। अपने मिजाज के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से मखलूक के लिए दिलों में नरमी रखते थे, मिजाज में नरमी। एक बात आपने कई दफ़े सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊं, मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है, जब तबीयत पूरी बेचैन होती है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने को दिल करता है ना, तो फिर ख्याल आता है कि हम भी पढ़ें ज़रा इन चीज़ों को, बार बार पढ़ता हूँ ताकि एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो। आपके ग़ुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे, तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हज़रत उमर ने दरवाज़े पे दस्तक दी, कौन है दरवाज़े पे? कहा मैं एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते ग़ुलाम हूँ, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तलख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, MPM, मैंने नाराज़ नहीं हो जाते, उस तलख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत में फ़ैसला करे, कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डाडी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती, ख्याल था रो दो के सो जाएंगे पर सो भी नहीं रहे। हज़रत फारूक आज़म दौड़े गए घर से, सामान अनाज गल्ला कंधे पे रखा, खादिम कहते मैंने कहा कि मुझे दे दें, फरमाने लगे चल तू वादा करना क़यामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। कहा हुज़ूर नहीं वो तो मेरे बस की बात नहीं, फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए उस खातून के दरवाजे पर ला के वो चीज़ें रखी, कहा बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये ग़ुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों। फिर वो घी चढ़ा के चीनी डाल के कुछ सामान पकता था वो खाना पकाया। ग़ुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता, फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया।
फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना थोड़े पीछे बैठ गए तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने लगे कि वो हंस पड़े। जनाब असलम कहते हैं बच्चे उस बेवा के हंसते थे, बच्चे हंसते थे और उमर रोते थे। जब वो हंसते थे तो फारूक रोते थे, फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लेटने लगे और जब वो सोने की तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत उमर कहने लगे बहन मैं जाऊं? कहने लगी रब तेरा भला करे, मेरा कलेजा फट जाता अगर मेरे बच्चों को आज शाम भी रोटी ना मिलती। तो सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे फिर तू मेरे लिए दुआ करेगी? कहने लगी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उमर की जगह तेरे जैसा को नेक आदमी बिठा दे। तो हज़रत उमर कहने लगे एक छोटी सी गुजारिश भी मान लोगी? का क्या? फरमाने लगे कोई ये मेरी खिदमत अगर पसंद आई है तो उमर को माफ़ नहीं कर देती? गलती हो गई, उसे पता नहीं था, अपने मुंह से कहने लगे। कहने लगे सियाणा भी नहीं, बाशऊर भी नहीं, उसे चाहिए था खिलाफत की जिम्मेदारियां ना लेता। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ ने कहा तो वो मान गया, लेकिन बहन मैं उसे जानता हूँ, बुज़दिल बड़ा है, कमज़ोर बड़ा है, ज़ईफ़ बड़ा है, अगर तू क़यामत में उसकी शिकायत लगाएगी तो बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहने लगी अच्छा अगर तू इतनी सिफारिश करता है तो जा, मैंने उमर को माफ़ किया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो बीबी कहने लगी ओहो आप उमर हैं? तो आप फरमाने लगे मैं जो भी हूँ तू वादा कर चुकी है कि तूने उमर को माफ़ किया। फिर बाहर निकले और अपने खादिम जनाब असलम से कहने लगे दो बंदे और बुला और उन्हें गवाह बना कि मैंने इस गरीब के रोते बच्चे हंसाए हैं, तू जाके उनको बता मैंने वो हंसाए हैं, इसके भूखे बच्चों को मैंने रोटी खिलाई है, पर तू गवाह हो जा कि इस बीबी ने खुद कहा है बगैर जबर के मेरी गुजारिश पे कहा है कि मैंने उमर को माफ़ किया, क्यों ना हम भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लें, क्यों ना हम भी जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी है हम भी वहाँ गौर कर लें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कमज़ोर पड़ गए हैं, जिम्मेदारी तो ले ली है पर अब हम अदा नहीं कर पा रहे, वरना वहाँ से मुआफ़ी ले लें। अल्लाह ताला सैयदना फ़ारूक़ आज़म का फैज़ान अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।